वो तो बहुत खुशी है इस बात का, और सबसे ज़्यादा खुशी हमारे सर को भी है क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाया, हमारे ऊपर जो भी मेहनत किए थे उसका वो आज रिजल्ट आया। सर ने बैक टू बैक, हम टीम से बाहर चल रहे थे, परफॉर्मेंस बैक टू बैक दिया। सर ने बोला था कि मेहनत करते रहो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किया सर ने, मेहनत किया उसका रिजल्ट आया। क्रिकेट बहुत आगे निकल चुका है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उस एक आबादी में बिहार की आबादी, कोई चाहता है कि इंडिया, बिहार की आबादी 13 करोड़ है, उसमें भी 11 आदमी को खेलना, उस 11 आदमी में खेलने में जगह बनाना ये बहुत बड़ी। बिहार के रणजी टीम में सिवान के शब्बीर खान दिखेंगे। आप बता दें कि इससे पहले भी एक बार रणजी टीम में उनका सिलेक्शन हो चुका है और बिहार की तरफ से उन्होंने खेला। इंशाल्लाह जितना मेहनत किया है उसका पूरा 100% जाके वहाँ पे अप्लाई, मैच में अप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा पकड़ूँ। हम लोग 11 अक्टूबर को हरियाणा जा रहे हैं पहला मैच खेलने के लिए, हरियाणा वर्सेस कैफ क्रिकेट अकेडमी, फिर जिला संघ क्रिकेट और फिर बिहार क्रिकेट और अब बिहार रणजी में। आज मैं एक कोच हूँ और मेरा एक बच्चा जो पिछले लगातार 2-3 सालों से परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी जगह नहीं बन पा रहा था, आज वो जगह मौका पर। और आप, मैं सभी सिवान जिला क्रिकेट के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आप बेकार लोगों के चक्कर में ना लगे, फालतू लोगों के चक्कर में ना रहे, खेल पे ध्यान दे वरना आपका करियर बर्बाद। बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हिंदुस्तान की छोटी छोटी गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलते खेलते सपना देखते हैं। सपना ये है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम रोशन किया जाए, और जिस गली से आते हैं, जिस मोहल्ले से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, उस जिले का भी नाम रोशन किया जाए। यानी टीम इंडिया में खेलने की एक चाहत होती है, एक जुनून होती है, और उसी जुनून और सपने को लेकर जो युवा क्रिकेटर हैं वो आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि सिवान में कैफ क्रिकेट एकेडमी लगातार इन बच्चों को पंख देने की कोशिश करता है, यानी बच्चों के सपनों में जान फूंकने का काम कैफ एकेडमी करता है। और कैफ एकेडमी से ही समझ लीजिए कि एक बच्चे का फिर से रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ है। रणजी ट्रॉफी जो कि 11 तारीख से या 11 अक्टूबर से होने वाला है, और बिहार के रणजी टीम में सिवान के शब्बीर खान दिखेंगे। आप बता दें कि इससे पहले भी एक बार रणजी टीम में उनका सिलेक्शन हो चुका है और बिहार की तरफ से उन्होंने खेला है, और एक बार फिर से खेलने का मौका मिला है। तो कैफ क्रिकेट एकेडमी के कोच हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिवान के एक ऐसे खिलाड़ी जो आए दिन आपको बता दें कि काफ़ी क्रिकेट में बेहतर करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो युवा क्रिकेटर हैं उनको भी सिखाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ खुद के लिए भी मेहनत करते हैं। हम बात करें नंदन जी की, नंदन जी को आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी का जो मैनेजर बनाया गया बिहार का, वो भी हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं सिवान के लिए सबसे बड़ी बात है कि दो लोग एक साथ रणजी टीम में नजर आएंगे जो सिवान के होंगे, इनसे बात करेंगे सबसे पहले। लेकिन बात करते हैं नंदन जी से। नंदन जी क्या कहेंगे, लगातार हमने देखा है कि कैसे आप मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, और अब जाके आपको एक मैनेजर बनाया गया है रणजी ट्रॉफी का, क्या कहेंगे? सबसे पहले शब्बीर खान को बधाई जी, हमारे कैप क्रिकेट एकेडमी के फैमिली को बधाई, जिला क्रिकेट संघ सिवान को बधाई, सभी लोग पात्र हैं। शब्बीर जो लास्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में अपना उत्कृष्ट परफॉर्मेंस किए थे बैक टू बैक 2 सालों से, तो उसका आज उनको फल मिला है, सीधे कॉल आया है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से। हम लोग 11 अक्टूबर को हरियाणा जा रहे हैं पहला मैच खेलने के लिए, हरियाणा वर्सेज बिहार। और रहा बात अच्छा, तो सिवान की धरती बहुत पहले से ही अच्छे प्लेयर देते आई है, इसमें एक करी शब्बीर खान है, बहुत बड़ा नाम है। और आपको पता है कि हम लोग जिस स्तर से छोटे छोटे गांव से बच्चों को सर्च करते हैं और एकेडमी में निकालते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, वो सब श्रेय हमारे कैब भाई को जाता है, जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को जाता है। तो उसी का नतीजा है जो आज शब्बीर खान इस मुकाम पे हैं, और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को भी धन्यवाद। अच्छा, पहले कैफ क्रिकेट एकेडमी, फिर जिला संघ क्रिकेट और फिर बिहार क्रिकेट और अब बिहार रणजी में, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए पर्सनली अगर देखे तो, बहुत बिहार को रिप्रेजेंट करना सबका एक सपना होता है। तो पहले एक खिलाड़ी कैफ क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ी, फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी, फिर उसके बाद पदाधिकारी, उसी प्रोसेस में कैफ क्रिकेट एकेडमी के पदाधिकारी, फिर डिस्ट्रिक्ट का पदाधिकारी, फिर अभी बिहार का पदाधिकारी। मतलब एक तरह से देखें तो
हम बिहार के पूरे पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे तो लिए। सब्बीर खान से बातचीत कर लेते हैं। सब्बीर जी, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको न्यूज इंडिया की तरफ से कि आप बिहार के तरफ से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और रणजी ट्रॉफी में खेलने जा रहे हैं दूसरी बार। क्या कहेंगे इस सलेक्शन को, कितना मतलब खुशी हो रहा है? ये बहुत बहुत खुशी है, हमको तो बहुत खुशी है इस बात का, और सबसे ज़्यादा खुशी हमारे सर को भी है क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाया, हमारे ऊपर जो भी मेहनत किए थे उसका वो आज रिजल्ट आया। सर ने बैक टू बैक, हम टीम से बाहर चल रहे थे, परफॉर्मेंस बैक टू बैक दिया। सर ने बोला था कि मेहनत करते रहो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किया, सर ने मेहनत किया और उसका रिजल्ट आ गया। कहा जाता है कि रणजी एक कदम होता है इंडिया टीम में जाने की तरफ, क्या लग रहा है, क्या परफॉर्मेंस इस बार दिखाने वाले हैं? इंशाल्लाह जितना मेहनत किया है उसका पूरा 100% जाके वहाँ पे अप्लाई मैच में अप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो। चलिए, तो कैप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और इनके द्वारा ही सिखाए गए बच्चे बिहार स्तर पे और भारत स्तर पे आज सिवान का नाम रोशन कर रहे हैं। कैप जी, आपके एकेडमी के दो दो लोगों का चयन हुआ है, एक नंदन जी का और एक सब्बीर जी का। जी जी जी, देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि स्टेडियम से कुछ निकल नहीं पा रहा है, और बड़े बड़े लोग भी सवाल किए थे, उनके लिए ये करारा जवाब है क्योंकि हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, और एक स्पोर्ट्स में नहीं समझ सकता उसकी पसीने की मेहनत क्या है। और सबसे बड़ी, आज मैं एक कोच हूँ और मेरा एक बच्चा जो पिछले लगातार 2-3 सालों से परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी जगह नहीं बन पा रहा था, आज वो जगह मुकाम हासिल किया। और सिवान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि जो फॉर्मेट में बहुत मुश्किल से किसी को सिलेक्शन उस फॉर्मेट में आना, क्योंकि देखिए क्रिकेट बहुत आगे निकल चुका है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उस एक आबादी में बिहार की आबादी, बिहार की आबादी 13 करोड़ है, उसमें भी 11 आदमी को खेलना, उस 11 आदमी में खेलने में जगह बनाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कैफ क्रिकेट एकेडमी एक अपनी जगह जो शुरू से एक प्रयास किया करता रहा है कि बच्चे आगे बढ़े, वही प्रयास लगातार जारी है कि लगातार कोशिश करते रहते हैं कि आपके यहाँ से खिलाड़ी निकले तो रणजी भी खेले और IPL में भी नजर आए, इस तरह लगातार प्रयास आपका रहता है। बिल्कुल, तो वो दिन अब नजदीक आ गया है जब सिवान के बच्चे IPL में दिखेंगे। बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है, बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है। और सबीर खान तो जब बिहार क्रिकेट लीग जब हुआ था, BCL जब हुआ था, उसमें सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे और बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी जीता, उसके बावजूद भी टीम में नहीं आना था, बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और इनको मालूम, इनका पोटेंशियल मैं जानता हूँ, मैं इनकी ताकत को पहचानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह मैं इनका कोच रहा हूँ और ये बच्चे से मेरे पास है, तो मैं इनको जानता हूँ ना, ये कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी ये कमबैक करेंगे और ये साबित कर दिया कि मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। ये एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज था। नंदन सिंह निकल के गए हैं और अभी उनको मैनेजर नियुक्त किया गया है। नंदन सिंह हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं और नंदन सिंह अपना जगह पे आए, एक अच्छे प्लेयर थे, लेकिन क्रिकेट के बोर्ड में लोगों की कमी थी, अच्छे लोगों की कमी थी, वो भरपाई करने के लिए नंदन जी अपने आप को त्याग दिया क्रिकेट से और वो फिर वो जगह पे पहुंचे। और आज वही जिस कदम के लिए हम लोगों ने वो कदम उठाया कि हमारी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है वो आगे बढ़े, डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम रोशन हो, और नंदन जी का सराहनीय प्रयास रहा कि जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में बच्चे को तैयार किया और लगातार मेहनत करके उपलब्धियां हासिल की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिला क्रिकेट संघ को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, सिवान के एक एक नागरिक को बधाई देता हूँ। और एक बात मैं जरूर कहूँगा, जिस तरह पढ़ाई टफ है उसी तरह खेल भी अब टफ रह चुका है। पहले लोग कहते कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे तो पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, वो अब चीज फेल हो चुका है। अगर आप अच्छे खेलिएगा, अच्छा पढ़िएगा तो सब कुछ बराबरी में आ चुका है। ये आज मैं इतना खुश हूं कि अभी मैं नेपाल से तुरंत ही पहुंचा हूं, और नेपाल जैसे मैं इंडिया में आया हूं तो मुझे खबर आया, मैं नेपाल के था तो कुछ खबर नहीं, जैसे मैं इंडिया पहुंचा हूं, बॉर्डर क्रॉस किया हूं, तो मैं फोन चालू किया हूं तो हमारे सेक्रेटरी नंदन सिंह का कॉल आया कि हमारे प्लेयर सबीर खान का सिलेक्शन हो चुका है। मैं खुशी से रहा नहीं गया, और अभी इनका रात में भी ट्रेन है, दोनों आदमी चले जाएंगे, एक तरफ मैनेजर हैं एक तरफ खिलाड़ी हैं। अब यही है कि ये जो आज इन्होंने जो पकड़ा है, जो टीम में आए हैं, यही दुआ चाहेंगे, और मैं सिवान के लोगों से यही चाहूंगा कि आप दुआ करें कि ये सब्बीर खान लगातार टीम में रहे, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करें, और आगे का जो एक लक्ष्य होता है, जो हर खिलाड़ी का लक्ष्य होता है कि तिरंगा उनके सीने पे लगे, वो मोहम्मद कैफ और वो सिवान के जिला लोग जरूर चाहते होंगे कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे सब्बीर खान।
कैप जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, चूंकि शब्बीर खान अब रणजी में नजर आएंगे, पहले भी खेल चुके हैं, सिवान के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके भी एकेडमी में कुछ खेलते हैं और कुछ इधर उधर भी एकेडमी में खेलते हैं, उन तमाम खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे, कैसे उनको पेशेंस के साथ इंतजार करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्बीर खान ने मेहनत किया तो आज फल सामने दिख रहा है, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप होनेस्ट हैं, अगर आप क्रिकेटर हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो आप बेबाकी बातों में, फालतू बातों में, बेकार की, लोगों की बातों में बिल्कुल ना जाएं। डिस्ट्रिक्ट रिलेशन सिवान ऐसी एक संस्था है, ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है वाहिद, की एक भी कोई रेप नहीं लगा सकता है, एक भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि हमने, हमारी जो संस्था, हम जो हमारे सेक्रेटरी और जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग में जो भी रन मारेगा वो डिस्ट्रिक्ट टीम में आएगा। तो खुली चुनौती है, इसमें किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है, किसी की, किसी जो खिलाड़ी आना चाहते हैं 100% ईमानदारी के साथ, 100% में 100% एक उंगली भी कोई उठा नहीं सकता है हमारे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन पे, और तो 100% ईमानदारी के साथ देना होगा। वही तो, जब जिला आपकी सिलेक्शन होने का मतलब क्या है, एक गरीब बच्चा, एक गरीब बच्चा अगर रणजी ट्रॉफी में जाता है तो कहीं ना कहीं तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बेहिचक होके, और आप, मैं सभी सिवान जिला क्रिकेट के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आप बेकार लोगों के चक्कर में ना लगे, फालतू लोगों के चक्कर में ना रहे, खेल पे ध्यान दे, वरना आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। समय बहुत कम है और लड़ाई बहुत मजबूती है, उस चक्कर में रहिए, बेकार लोगों के चक्कर में मत रहिए। आप अच्छे होंगे आपके घर से बुला के खिलाया जाएगा, आप अच्छे नहीं होंगे तो आपको नहीं बुला सकते हम लोग, आपका खेल आपको बुलाएगा। जितना बड़ा आपका सपना है उतना ही, आपको बता दें कि जितना बड़ा आपका सपना है उतना ही कठिन है टीम इंडिया तक पहुंचना, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करें और 100% ईमानदारी के साथ खुद के प्रति ईमानदार रहें और खुद के प्रति ईमानदारी के साथ मेहनत करें, तो कहीं ना कहीं आप भी कल शब्बीर खान जैसे रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं, आईपीएल खेल सकते हैं, और हो सकता है कि सिवान वालों के दुआ से आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।